ठीक है तो आज हम लोग एक बार पहले क्विकली uh, कल का क्लास से कोई डाउट है किसी को कोई डाउट नहीं है पक्का शॉल uh, कुछ बेसिक सेट थ्योरी के डायग्राम्स कर लेते हैं कल मैंने दिखाया था पर एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं पहले so प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन बी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे इफ़ लेट्स ए सपोज ये मेरा इवेंट ए है एंड ये मेरा इवेंट बी है दीज आर वॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि नॉन एक्स नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन है सो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ करेक्ट है राइट right? तो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मतलब मेरे को ये रीजन निकालना है वेरी सिंपल राइट और अगर वही मेरे को ए यूनियन बी निकालना है सो बाई दैट आई मीन वॉट बोलो कौन सा पार्ट ये पूरा ये पूरा पार्ट ये पूरा पार्ट यस और नो ठीक है वो कैसे किया था हमने प्रबैबिलिटी ए माइनस द इंटरसेक्शन क्योंकि इंटरसेक्शन दो बार आ जाएगा ए में भी आ जाएगा और बी में भी आ जाएगा ठीक है अनदर थिंग बताओ कल हमने किया था कॉम्प्लीमेंट याद है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है अगर मैं बोलूँ ए कॉम्प्लीमेंट इफ देर इज जस्ट वन इवेंट ए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये पूरा पोर्शन बाहर वाला करेक्ट दिस इज वॉट दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए ऐसे भी लिख सकते हैं एनी विच वे यू कैन राइट ठीक है सिमिलरली इफ आई टेल यू कि मेरे को बताओ प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या फिर इंटरसेक्शन के पहले करते हैं यूनियन तो क्या होगा हुँ? देखो ये एक तरीका है लिखने का जहां हम लोग बोल रहे हैं देर आर टू थिंग्स विच आई शो यू ठीक है तो कंफ्यूज मत होना ये आपका ए है ये आपका बी है ए कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाला पार्ट ए को छोड़ के पूरा बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बी को छोड़ के पूरा ये वाला ऑरेंज वाला पार्ट तो इन इसका यूनियन बोला है इसका तो इंटायर थिंग एक्सेप्ट द बीच वाला पार्ट इज दिस राइट सो दिस इज बेसिकली व्हाट हाउ कैन यू राइट दिस ए इंटरसेक्शन बी और कैन यू राइट इट लाइक दिस मतलब ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट उसका कॉम्प्लीमेंट कैन यू राइट इट लाइक दिस ठीक है बोलो ये और नो इसका उल्टा को हम लोग डी मॉगन्स लॉ बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ ये सब लिख लो ये सब नोट्स में नहीं है ठीक है सिमिलरली इफ आई टेल यू चलो इफ आई टेल यू प्रोबेबिलिटी ए इंटर यूनियन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट तो इसका क्या मीनिंग है अगेन लेट्स मेक अ डायग्राम एंड चेक ए यूनियन बी मतलब ये पूरा पार्ट उसका कॉम्प्लीमेंट इज ये पूरा बाहर वाला पार्ट विच इज इक्वल टू वट सेम है तो थोड़ा ट्राई करो खुद से करने का <coughs> कैसे लिख सकते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट देखना अब ये देखो ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ ये पूरा पार्ट ए को छोड़ के है ना बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ बी को छोड़ के पूरा ठीक है बच्चा क्या बीच वाला पार्ट बट मुझे वो नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए दोनों का तो येलो और ऑरेंज और का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है खाली बाहर वाले रीजन में येलो और ऑरेंज का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है बाहर वाले रीजन में सो दीज टू आर इक्वल और नॉट ज आर टू डी मोगन लॉ लिख लो ठीक है नेक्स्ट कल का क्लास से अगर आप लोगों को याद है हमने क्या किया था प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी एडिशन रूल विच वॉज प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज ज़ीरो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इज नॉट जीरो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी का था प्रोबेबिलिटी ए बी गि ने इफ इट्स इंडिपेंडेंट दिस इज इक्वल टू प्रोबाबिलिटी बी इफ इट्स डिपेंडेंट इन दिस इज़ अ केस आज हम लोग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, चीज़, चीज़ uh, सीखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबाबिलिटी डाइग्रम्स मतलब जब क्या होता है कि आपको समझाना होता है किसी को या खुद से भी कोई सम करना होता है तो हम लोग कुछ बेसिक डाइग्रम्स बना के समझते हैं ठीक है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल तो लिखो कि द प्रोबाबिलिटी द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एनी गिवन डे और ट्रेन इज लेट इज जीरो पॉइंट लेट्स टेक वन फाइव मतलब फिफ्टीन परसेंट ऑफ द टाइम द ट्रेन इज लेट ठीक है अब stop find the probability that the train is late on exactly one day on exactly one day in the next two days सॉल्व करो वन डे इन द नेक्स्ट टू डेज दो दिन में से एक दिन वो लेट हो रहा है उसका प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए क्या होगा बताओ है रुक जाओ ऐसे उसको मत करो कैसे आ रहे बताना हम्म? फिर से बोलो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी की पहला दिन लेट हुआ ऑन द फर्स्ट डे लेट नहीं हुआ इनटू कितना आ रहा है पॉइंट ठीक है तो ये बोल रहे हो आधे लोग की गलत है और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं मतलब ये गलत है कि आंसर नहीं है करेक्ट ऐसा क्यों नहीं है जिनको नहीं समझ में आया लेट जस्ट क्विकली हैव अ लुक कि वाई दिस आंसर इज रॉन्ग बेसिकली इसमें क्या हो रहा है अगर हम लोग देखें तो वॉट आर वी ट्राइंग टू से क्या क्या ऑप्शन है कि फर्स्ट डे और सेकेंड डे कहीं पे भी हमने ये नहीं बोला मैंने बोला एनी वन डे इन द नेक्स्ट टू डेज मैंने ये नहीं बोला फर्स्ट डे लेट होगा या सेकंड डे लेट होगा फर्स्ट डे नॉट लेट वैसा मैंने नहीं बोला तो हो सकता है वो दोनों दिन नॉट लेट हो तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा जीरो पॉइंट एट फाइव इंटू जीरो पॉइंट एट फाइव कितना होता है क्विकली कैलकुलेटर पर करके बताओ तुम लोग बिना कैलकुलेटर के कैसे बैठे हो एक्चुअली पॉइंट ठीक है पहला दिन लेट दूसरा दिन नॉट लेट यही हो जाएगा जीरो पॉइंट वन फाइव इंटू जीरो पॉइंट एट फाइव ज़ीरो वन टू सेवन फाइव फिर पहला दिन नॉट लेट दूसरे दिन लेट यही हो जाएगा पॉइंट एट फाइव जीरो पॉइंट एंड लास्ट डे क्या एक और पॉसिबिलिटीज दोनों दिन लेट तो क्या होगा जीरो पॉइंट वन फाइव इंटू जीरो पॉइंट वन फाइव जीरो पॉइंट आएगा इन चारों को एड करके इज इट गिविंग यू अर वन सो दीज आर द फोर पॉसिबिलिटीज एट वी गेट एंड वाई आर वी जस्ट सिम्पली मल्टीप्लाइंग बिकॉज वी आर एज्यूमिंग कि ईच डे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट इज इंडिपेंडेंट मतलब आज लेट हुआ एंड कल लेट होगा कि नहीं इज इंडिपेंडेंट तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला तो ये आपका आ रहा है अब हम लोग बोल रहे हैं कि हमें चाहिए कोई भी एक दिन लेट हो तो कोई भी एक दिन लेट होने का मतलब या तो ये या तो ये तो इन दोनों को ऐड कर देंगे यस हो सकता है यहां पे आपने बोला कि पहला दिन लेट है दूसरा दिन लेट नहीं है प्लस मैंने बोला हो सकता है कि पहला दिन लेट नहीं है बट दूसरा दिन लेट है करेक्ट दिस इज योर करेक्ट आंसर क्या आ रही है एड करके जीरो पॉइंट यार है देख लो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट मेक अ सिंपल लिस्ट ठीक है इसको बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी एक दिन लेट है दूसरे दिन नहीं है और एक दिन नहीं है दूसरे दिन है विच इज सेम एज राइटिंग एल एन प्लस एन एल ठीक है एंड यू जो सॉल्व एंड फॉर नॉट लेट इसको सेम चीज़ हम लोग यूजिंग ये सब ने कॉपी किया यहाँ पे आप लोग ना प्रोबेबिलिटीज़ भी लिख लिख के करना मतलब आप लोग इसको ऐसे लिख के करना पॉइंट एट फाइव इन टू पॉइंट एट फाइव इक्वल टू दिस अब एक और होता है ट्री डायग्राम जो आप लोग को सीधा मिलेगा इन योर सी एम टू पेपर हम लोग बाइनोमियल ट्री बनाते हैं वहाँ पे तो ट्री 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 डायग्राम में क्या होता है कि आप बोल रहे हो पहला दिन दिस इज़ योर डे वन हो सकता है वो लेट हो हो सकता है लेट टू पॉसिबिलिटीज है तो टू ब्रांचेज निकलेंगे दिस इज योर डे जीरो कुछ भी नहीं है तो डे वन पे दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज तो टू ब्रांचेस निकल रहे हैं नाउ वॉट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर डे टू अगर पहला दिन लेट था तो इट्स इंडिपेंडेंट दूसरा दिन लेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है एंड अगेन यहाँ पे लेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज अगेन दोनों दिन लेट पहला दिन लेट दूसरे दिन नॉट लेट पहला दिन नॉट लेट दूसरे दिन लेट एंड अगेन दोनों दिन नॉट लेट देख लो क्लियर ठीक है एंड सेम यू कैन कैलकुलेट बट अगेन इट्स नॉट वेरी इजी दैट यू जस्ट सिंपली राइट द प्रोबेबिलिटीज योर बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल केस तो ऐसा और हम लोग अभी कॉस्ट सम करेंगे तो उसमें देखेंगे लेट का प्रोबेबिलिटी क्या दिया मैंने जीरो पॉइंट और यहाँ पे जीरो पॉइंट यहाँ पे जीरो पॉइंट अगेन वन फाइव अब हो सकता है कि ये जो प्रोबेबिलिटीज हों वो डिफर करे उसका भी सम हम लोग करेंगे अभी तो दीज आर द प्रोबेबिलिटीज अब आप लोग को एल <coughs> एल निकालना है तो एल एल निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे ये वाला हम लोग ये वाला पूरा रूट देखेंगे ठीक है क्लियर है ये वाला आप रूट देखोगे अंडरस्टूड वेरी सिंपल हम लोग को चाहिए था किसी भी एक दिन ले तो हम लोग ये दोनों ऑप्शंस को ऐड कर देंगे वेरी सिंपल दिस इज अ बेसिक ट्री डाइग्रम वेरी बेसिक एक सम और ले लो लिखो a triple bypass operation a triple bypass operation has a success rate of 70% full stop if the operation is unsuccessful It can be repeated once, but this time the probability of success is reduced to forty five percent. अब इसका निकालना है तुम लोग को फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द ऑपरेशंस

बना के देखो पता क्या होता है आंसर जो प्रेजेंट करता है ना उसी को मार्क्स मिलता है खाली आंसर लिखने से नहीं मार्क्स मिलता कल क्यों नहीं आया तुम क्लास क्या था आज निकलना क्या हुआ ट्राई तो करो। दिखाओ दिखा क्या बनाया और छोटा बना लेता इतना स्पेस नहीं बचाना होगा दिखाओ बनाया ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम लोग नहीं किए होगे ना वो ऐसे बचपन में हम लोग ग्राफ पेपर लेके जाते थे तुम लोग लेके जाते थे ऐसा हम लोग से ग्राफ पेपर मंगवाते थे ज्योमेट्री क्लास के लिए वो चेक्स वाला होता है वन सेंटीमीटर का कभी पॉइंट फाइव स्केल किए हम लोग किए तुम लोग इंडिया का मैप लेके गए वर्ल्ड मैप लेके गए नहीं मान सकते हम ये हाँ वर्ल्ड मैप तुम लोग लेके गए स्कूल में रात में आ जाता था ना अरे कल मैम लाने बोली थी मेरी मम्मी तो स्टॉक रखती थी क्योंकि मैं मुझे याद आता भाई हमेशा भूलता था तो रात आ जाता था कभी कभी तो कापूल में चढ़ने के बाद था कि हम लोग नहीं लाए फिर ऐसे फ्रेंड्स लोग से मांगो ठीक है हुआ आंसर क्या है वेरी गुड तुम्हारा आया हम तुम लोग का क्यों नहीं आया अभी तक क्यों नहीं किया है करो तुम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना जॉइंट वेंचर पता है ना फ्रेंड्स लोग सबसे ज्यादा धोखा देते हैं हाँ ये सच है दो साल में पता चल जाएगा तुमको चलो देखो हम लोग बोल रहे हैं सबसे पहले तो कि ऑपरेशन नंबर वन का सक्सेस होने का चांस क्या है सेवन बोला है मैंने सेवेंटी परसेंट ठीक है नॉट सक्सेस होने का नॉट सक्सेस के बदले फेलियर लिख देते हैं जीरो पॉइंट थ्री हो गया ऑब्वियसली क्योंकि दो या आउटकम पॉसिबल है दे के नॉट बी अब बोल रहे हैं अगर फर्स्ट ऑपरेशन फेलियर है देर इज ओनली वन मोर ऑपरेशन विच द पेशेंट कैन टेक ये लिखा है देख लो दैट इट कैन बी रिपीटेड ओनली वंस तो फेलियर के बाद जब सेकेंड ऑपरेशन होगा तो उसमें भी सक्सेस हो सकता है या फेलियर और कोई ऑप्शंस नहीं है एंड सेकेंड ऑपरेशन का सक्सेस रेट क्या दिया है? तो यहां क्या आएगा जीरो पॉइंट और फेलियर क्या हो जाएगा अब मेरा क्वेश्चन था आप लोगों से तो बेसिकली ये क्या है ये सक्सेस है ये फेलियर होने के बाद सक्सेस है एंड ये दोनों बार ऑपरेशन फेलियर है मैंने पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द ऑपरेशन एनी वन ऑफ द ऑपरेशन इज अ सक्सेस मतलब मुझे क्या चाहिए या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए एंड दिस इज वॉट दिस इज जीरो पॉइंट एंड दिस इज जीरो पॉइंट थ्री दिस इज जीरोस्ट नीड टू एड दिस आंसर है जीरो पॉइंट एट थ्री फाइव जिसका नया कर लो ठीक है आई तुम लोग क्रस क्रॉस खेल रहे हो ना क्रस क्रॉस खेल के पास नहीं होगे दिस इज नॉट योर स्कूल चलो नेक्स्ट कल हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज किया था प्रोबेबिलिटी ए एक बार अगर हम ये देखें दिस इज इक्वल टू बेसिकली क्या बोल रहे प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेटी हम लोग थोड़ा ट्विस्ट करें तो प्रोबेबिलिटी बी गिवेन ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी सॉरी प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख सकते हो बट आइडियली एक्चुअल में हम लोग कैसे लिखते हैं ना हम लोग का जो फॉर्मूला होता है हम फॉर्मूला में ए गिवन बी लिखते हैं तो दिस बिकम्स जस्ट सेम चीज है बट एक लिखने का तरीका होता है जो हम लोग ऐसे लिखते हैं ठीक है तो लिख लो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसका क्या मीनिंग है कोई समझाएगा खाली इस पार्ट का ब्लैक से जो मैंने लिखा है वेरी गुड प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए अकर्स गिवन बी हैज अकर्ड अब इसका ना एक मेरा आदत है इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन देने का हमेशा इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन अगर इसका समझे आप लोग बेसिक स्टैट्स में क्या करते हो आप लोग बेसिक प्रोबाबिलिटी कैसे निकाल तो मैं बोल रही हूँ प्रोबेबिलिटी ए निकालो तो आप लोग बोलोगे नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ़ आउटकम्स ऑफ ए हैपनिंग डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अड्स इज वन बाय टू वन इज द नंबर ऑफ टाइम्स यू आर गेटिंग अड यू कैन गेट अड वेन यू थ्रो अइन एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सेम हम लोग इसको समझ सकते हैं समझना मैंने बोला है यहां पे खाली बोला था कि प्रोबेबिलिटी ए हो रहा है यहां मैंने बोला है प्रोबेबिलिटी ए हो रहा है बट गिवन बी तो मतलब बी भी हो चुका है और ए होने का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो दोनों को होना है तो इसीलिए ए बैग यहाँ रख सकते हैं स्पेस हम लोग को नहीं चाहिए तुमसे तुम यहां रखो तो ए गिवन बी का क्या मतलब है कि बी हो चुका है और ए हो रहा है उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए यस और नो तो दोनों का इंटरसेक्शन इज द नंबर ऑफ आउटकम्स दैट वी वांट डिवाइडेड बाय इंस्टेड ऑफ द टोटल आउटकम व्हेन इट इज गिवन कि बी हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लोगे ना आप टोटल क्यों लोगे जब आपको बोल दिया है गिवन है हम क्या है इंसान इंसान को क्या होना चाहिए रैशनल बट हम रैशनल होते नहीं है सो वेन यू डू स्टिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स आई टीच यू हैव टू बी रैशनल हम हमें बोला जाता है रैशनल थिंकर्स दैट इज द फर्स्ट अजम्पन दैट वी मेक विच इज ऑबियसली नॉट करेक्ट एंड दैट इज वी हैव अ इंटायर फील्ड ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड बिहेवियरल फिनेंस हम क्या करते हैं प्यार में अंधे हो जाते हैं राइट right? वो हमें नहीं होना है तो यहाँ बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बी का क्या मतलब है गिवन प्रोबेबिलिटी बी हो चुका है बी हो चुका है तो आप वही लोगे ना आप टोटल इवेंट्स क्यों लोगे क्या हुआ तुमको क्यों इतना दुखी है कल का क्लास तुम देखा नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला इसीलिए तुम दुखी है देख के आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव तो ये क्लियर है बोलो ये इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन ये मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि ये जो है ये आप लोग को लाइफ लॉन्ग चाहिएगा ये प्रोबेबिलिटी गॉट इट अब इसी पे एक सम करते हैं चलो लिखो द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट रिवाइज फॉर एन एग्जाम इज जीरो पॉइंट फोर ठीक है क्स्ट लिखो फुल स्टॉप इफ और स्टूडेंट इफ स्टूडेंटवाइज प्र आई रिपीट द क्वेश्चन रुको आई थिंक ये पहले वाले क्वेश्चन के लिए बोला क्या तुमने anshuman is it clear now chalo i'll repeat it again probability that a student revises for an exam is 0 0.4 full stop if a student revises the probability that he will clear the exam ya pass the exam is 0 0.7 otherwise it is only 0 0.1 full stop Up question liko given that a student passes the exam given that a student passes the exam comma find the probability find the probability that the student revised full stop karo पहले इसका मुझे ट्री डायग्राम चाहिए एंड देन आंसर चाहिए हुआ आंसर आया किसी ने लिखा है जीरो पॉइंट जीरो फोर बाय जीरो पॉइंट वन बेसिकली आंसर उसने बोला है जीरो पॉइंट फोर इच इज नॉट राइट हम्म ठीक है चलो तो पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या आउटकम्स हैं रिविजन पहले आता है कि एग्जाम पास हुआ है कि नहीं पहले आता है रिविजन पहले आता है ऑब्वियसली ठीक है तो अब वो तुम लोग क्या करते हो बता नहीं रिविजन नॉट रिवाइज ठीक है रिविजन का प्रोबेबिलिटी उसने बोला है जीरो पॉइंट फोर है नॉट रिविजन रिविजन का जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फोर है ना हम्म अब रिवाइज किया तो पास किया फेल भी कर सकता है नॉट रिविजन के बाद भी पास एंड फेल दोनों कर सकता है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि खाली फेल करेगा पास भी कर सकता है अब बोल रहे गिव गिवन आपको दिया है प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ही दिया हुआ है आप लोग को प्रोबेबिलिटी कि अगर स्टूडेंट पास हो रहा है गिवन दैट ही रिवाइज द हाउ मच जीरो पॉइंट सेवन सो गिवेन ही रिवाइज मतलब यहां जाएंगे नीचे नहीं जाएंगे ही विल पास इज जीरो पॉइंट सेवन टू ही नॉट पास जीरो पॉइंट थ्री करेक्ट अगेन अदरवाइज इट इज अदरवाइज मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास बट ही डिड नॉट रिवाइज इज जीरो पॉइंट वन तो यहां आ गया आपका जीरो पॉइंट वन एंड यहाँ आ गया आपका जीरो पॉइंट नाइन गॉट इट तो ये आपका क्या हो गया रिवाइज एंड पास रिवाइज एंड स्टिल फील्ड नॉट रिवाइज एंड पास नॉट रिवाइज एंड फेल्ड क्लियर बोलो क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन निकालने बोला है कि गिवन दैट द स्टूडेंट पासिस द एग्जाम तो हम लोग को क्या देखना है गिविन दैट द स्टूडेंट पासिस द एग्जाम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हैड रिवाइज तो हमें क्या चाहिए हमें चाहिए गिविन द स्टूडेंट हैज पासड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रिवाइज दिस इज ऑपोजिट ऑफ नॉट ऑपोजिट एग्जैक्टली बट डिफरेंट देन दिस यस और नो सो इफ यू कंसिडर द फॉर्मूला अगेन ये फॉर्म्यूला भूल जाओ यहां से बताओ कि कैसे निकालेंगे गिवेन दैट द स्टूडेंट पास्ट मतलब ये दोनों देखना है प्रोबेबिलिटी ही तो कौन सा लोगे तो क्या आएगा आंसर हम बोलो जीरो पॉइंट ये क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने से टू एट आ रहा है ये क्या आ रहा है सब बताना बार ये ठीक है तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ आंसर कौन सा है जीरो पॉइंट टू एट कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे और वो आंसर क्यों, क्यों नहीं है ये बताओ क्योंकि 0.28 आंसर क्यों नहीं है बिकॉज दिस मीन्स इसको कैसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बताए प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट पास एंड रिवाइज्ड गॉट इट दिस प्रोबेबिलिटी जीरो पॉइंट टू एट मीन्स प्रोबेबिलिटी दट द स्टूडेंट रिवाइज एंड पास नॉट गिव इन या ऐसा कुछ है ना क्योंकि आप ऐसे लिख रहे हो प्रोडक्ट के जैसे तो आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हो गिव इन वाला चीज कुछ नहीं कर रहे है, है कि नहीं तो दिस इज नॉट द आंसर सो यूजिंग द फॉर्मूला जिनको ये लग रहा था आंसर है यूजिंग द फॉर्मूला इट शुड बी वॉट रिवाइज एंड पास्ट डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ पास यही होता है विच इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी यस ठीक है तो अब कैसे निकालेंगे न्यूमरेटर हम लोग के पास आ चुका है विच इजीरो पॉइंट प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट पास द एग्जाम इज टू तरीके से है या तो यहां भी पास कर रहे या यहां भी दोनों को सिंपली एड करेंगे तो जीरो पॉइंट टू एट प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फाइनल आंसर क्या है पॉइंट एट टू गॉट इट क्लियर है तो इसीलिए जिन लोगों को लग रहा था ये आंसर है वो गलत है क्योंकि वो उसका क्या मतलब है एंड नॉट गिव हमने वही किया ना लेट वाला जो डायग्राम हमने बनाया जो सबसे इजी था उसमें हमने क्या किया था लेट एंड लेट लेट एंड नॉट लेट राइट कुछ भी गिव नहीं था उधर यू डोंट कॉल इट एज गिविन चलो इसको कम्प्लीट करो एंड लिख लो ये सब ये सब चीज़ें लिख लो ताकि एग्जाम में हम लोग को कभी सब डाउट ना आए नहीं दो तीन क्वेश्चन करेंगे चलो क्या ये तुम ये तो समझा नहीं पाया डन सबका एनी डाउट इन दिस पूछ सकते हो मतलब मेरे को खराब नहीं लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूरा पूरा क्वेश्चन मत लिखना थोड़ा स्मार्टली करेंगे इनर क्लास मतलब खाली ऐसे ना बेसिक बेसिक चीजें कीवर्ड्स स्मार्ट बनो यार इन क्लास ऐसे लिखना जैसे मैंने क्लास बोला फिफ्टी सिक्स स्टूडेंट्स टोटल थोड़ा शॉर्टकट्स में लिखो पूरा पूरा सेंटेंस इन क्लास 56 स्टूडेंट्स स्टूडेंट 28 ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स थर्टी ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी ट्वेंटी टू ऑप्टेड फॉर बोथ ठीक है अब क्वेश्चन है इफ एनी वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव नीदर ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी नॉर मैथमेटिक्स भाई रियल कैलकुलेटर लाओ ना पहले एग्जाम के बाद कैलकुलेटर कैसे हो सकते हैं मेरा अभी तक रखा हुआ है 2016 का कैलकुलेटर ये बेसिक कैलकुलेटर क्यों यूज कर रही हो तुम तो? कैरी करने में भारी लगता है वो निकालने में आलस आ रहा है ये जेन्युन प्रॉब्लम है कि निकालने में आलस आ रहा है नहीं ये पूरा जेन्युन प्रॉब्लम है तुम्हारा तो खो गया खोना इज नॉट अ जेन्युन देखो प्रॉब्लम खोना नहीं चाहिए बट निकालने में बैग से आलस आ रहा है दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम बैग बगल में रखा है ऊपर में रखा है बट फिर भी आलस आ रहा है उसको निकालने में दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम यस और नो करो इसको फ़ोन प्लीज यहाँ डिपॉजिट नहीं तुमने सिक्स फिफ्टी दे के कैलकुलेटर क्यों खरीदा है देखा जेनविन प्रॉब्लम हुआ कि नहीं कोई नहीं बता पाया अभी तक आंसर हाउ कैन न प्रोबेबिलिटी बी ट्वेंटी फ्रैक्शन में बोलू फाइव बाई है तो बेसिकली <coughs> सबसे पहले अगर हम लोग इसका सीधा डायग्राम से बनाए मेरा मैथमेटिक्स ये हो गया बायोलॉजी आई हैव समथिंग इन कॉमन बिकॉज दोनों भी किसी ने लिया है तो दोनों लिया है ट्वेंटी टू लोगों ने टोटल मैथमेटिक्स लिया था ट्वेंटी एट लोगों ने जिसमें से कॉमन इधर आ गए तो खाली मैथमेटिक्स वाले कितने बचे सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली इन मैथमेटिक्स इज बेसिकली कैलकुलेटेड एज ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी टू ये पेन अपने आप कलर चेंज कर रहा है ठीक है ओके बायोलॉजी में अगेन ट्वेंटी टू कॉमन चले गए तो ओनली बायोलॉजी कितने हुए एट हुए थर्टी माइनस ट्वेंटी टू ये लिखने का अभी हमने जो डी मॉगन लॉ किया था हमें चाहिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया तो हमें ये चाहिए हमें एक्चुअल में ये चाहिए ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सॉरी का कॉम्प्लीमेंट विच इज सेम आई सेंग ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग थोड़ा फॉर्मूला से जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट इज ये पूरा पोर्शन एंड बी कॉम्प्लीमेंट इज़ बाहर वाला पोर्शन तो उसका इंटरसेक्शन सेक्शन इज़ बाहर वाला पूरा जो हमने शुरू में डी मॉगन्स लॉ किया था दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट ऑब्वियसली इट्स नॉट नेसेसरी क्या पैसे करो आप सिंपली लिख के भी समझा समझा सकते हो कि सिर्फ बायोलॉजी के इतने हुए सिर्फ मैथमेटिक्स के इतने हुए एंड दोनों के इतने हुए सो टोटल स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर दी सब्जेक्ट्स कितना आ रहा है थर्टी सिक्स आ रहा है तीनों को ऐड कर दिया ना ओनली मैथमेटिक्स ओनली बायोलॉजी एंड बोथ ऐड कर दिया सो आउट ऑफ दैट 56 सिक्स माइनस थर्टी इतने स्टूडेंट्स ने कुछ भी नहीं ऑप्ट करा 20 बाय फिफ्टी सिक्स इज द आंसर इसको ऑब्वियसली फ्रैक्शन uh, इसको प्रॉपर डेसिमल में लिखना ठीक है एक और करूं Let A one, A two, A three be independent events with probability. Check, you have to find what the easy AB this. बस ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन करेंगे आज के लिए मैंने क्या बोला तीनों इवेंट्स क्या है तो इंडिपेंडेंस रूल कभी यूनियन में नहीं आता है इंटरसेक्शन में आता है ना मतलब इंटरसेक्शन में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन भी होता है तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हो अगर इंडिपेंडेंट होता है तो ये कीप दिस इन माइंड एक चीज़ याद रखना इफ़ यू ऑल रिमेंबर जब मैंने बोला था इंडिपेंडेंट मैंने वो लास्ट में कल के क्लास में इनमें दिखाया था ना कि व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स कैन बी देयर क्या क्या हो सकते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में मैंने बोला था इंडिपेंडेंट होते हैं डिपेंडेंट होते हैं तो ये नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है हो सकता है है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो जो सोच रहा है कि इसमें बस तीनों को ऐड कर देगा विल नॉट द आंसर ठीक है करो वैसे अगर हम थोड़ा डायग्राम से करें इसको ये है येस और नो मुझे चाहिए तीनों का यूनियन मतलब मुझे ये पूरा पोर्शन चाहिए हाँ मतलब इसका फॉर्मूला शुड बी ए वन ये लिख लेना तुम लोग प्लस तीनों को ऐड किया बट अब इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं हम लोग तो तीनों का इंटरसेक्शन माइनस होगा ये ठीक है अब इसमें जब आपने तीनों का माइनस कर दिया है तो होता क्या है ध्यान से समझना आपने ए वन पूरा लिया ए टू पूरा लिया ए थ्री पूरा लिया फिर आपने एक एक करके आपने एक एक करके ये माइन ये माइनस कर दिया ये माइनस कर दिया पूरा ये पूरा माइनस कर दिया एंड ये पूरा माइनस कर दिया, दिया। है ना तो आपने क्या किया ये जो तीनों का कॉमन पॉइंट है इसको आपने कितने बार माइनस किया है तीन बार माइनस किया है येस yes और no? तो इसको कैसे करेंगे गलत है ना ये तीन बार माइनस हो गया है. ये तो चलो दो सुन लो ये वाला पार्ट दो बार काउंट हो रहा था तो एक बार माइनस कर दिया ये वाला पार्ट दो बार काउंट हो रहा था उसको दो बार, बार माइनस कर दिया ये वाला पार्ट दो बार काउंट हो रहा था उसको एक बार माइनस कर दिया बट ये जो बीच वाला है जो तीनों इंटरसेक्शन है ये तीन बार काउंट हो रहा था एंड तीनों बार आपने माइनस कर दिया तो एक बार और एड करना पड़ेगा ना येस और नो सो दे बी अनदर प्लस गैस और नो तो या तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके पूरा सॉल्व कर सकते हो क्यों जस्ट एड ऑल ऑफ दिस ए इंटरसेक्शन ए थ्री इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन बिकॉज इट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स और सिंस वी नीड जस्ट दिस पार्ट दिस पार्ट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज वन माइनस ए ए yes no? hmm? एक सेकेंड रुक जाओ ए कॉम्प्लीमेंट इज ये पूरा पार्ट बाहर वाला ठीक है एक वन के बाहर का सॉरी ये ए बी सी लिख दिया मैंने ठीक है तो ए टू के बाहर का इस बाकी पार्ट ए थ्री के बाहर का इस बाकी पार्ट उसका पूरे का इंटरसेक्शन इज बाहर वाला पार्ट पूरा पूरा बाहर वाला पार्ट हुआ इसीलिए वन माइनस कर दिया मुझे तो अंदर वाला पार्ट चाहिए दिस इज अनदर वे तो दिस इज इजी बिकॉज इसमें आपको कैलकुलेशन कम करने पड़ेंगे सिंस द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑल ऑफ दिस कैन बी सिंपली मल्टीप्लाइड सुन लो इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट्स विल ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट हम लोग क्या बोलते हैं अगर कोई इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इट शुड बी लाइक दिस राइट बट अगर वो दोनों अगर वो दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स लोगे तो भी इंडिपेंडेंट होंगे अगर एक का होना दूसरे के होने को अफेक्ट नहीं करे तो एक का नहीं होना भी दूसरे के नहीं होने को अफेक्ट कर, नहीं करेगा यस और नो तो दिस इज वो भी कर सकते हैं बट दिस इज एन ईजी और शॉर्टर अप्रोच तो यहाँ अभी ये क्या हो जाएगा वन माइनस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लीकेशन ऐसे लिख दिया क्योंकि इंडिपेंडेंट है नाउ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है वन माइनस वन माइनस वन बाई टू वन माइनस वन बाय फोर वन माइनस वन फोर एंड दिस यू द आंसर सो बोथ अप्रोचेस आर एक्सेप्टेबल ये प्लस क्यों किया ये क्लियर है तीनों का क्योंकि ये बीच वाले पार्ट को आपने तीन बार माइनस कर दिया है तीन बार ऐड किया तीन बार माइनस कर दिया एक बार तो और लेंगे ना उसको कंसिडरेशन में तो इसीलिए एक बार वो प्लस हो जाता है गॉट इट बोलो देख लो ये कर लो इसको खत्म ओके आंसर क्या है इसका इज इट ट्वेंटी थ्री बाई थर्टी टू ट्वेंटी थ्री बाय लेट्स टू इटल हो उनका कनेक्शन चला गया एक सम और करवाती मैं एक सेम रुक जाओ ठीक है छोड़ो ये बाद में बट ये सम बहुत इंटरेस्टिंग था कल करेंगे ये सम